नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर, सम्राट सर म्यूजिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम सेट थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में और उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रमेय फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स ए और बी हो तो उसके लिए प्रमेय है कि ए ए डिफरेंस बी बराबर होता है कि ए इंटरसेक्शन बी पूरक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए माइनस हम बी करते हैं, अर्थात अंतर समुच्चय निकाल, ए माइनस बी का हम अंतर समुच्चय निकालते हैं तो हमको प्राप्त होता है ए इंटरसेक्शन बी पूरक। तो प्रूव करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक्स क्या है, ए माइनस बी का सदस्य है, तो स्वाभाविक है कि एक्स ए का सदस्य होगा लेकिन बी का सदस्य नहीं होगा, यदि केवल यदि एक्स ए का सदस्य हो एंड एक्स बी का सदस्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक्स यदि केवल यदि एक्स ए का सदस्य है और एक्स अगर बी का सदस्य नहीं है तो एक्स क्या होगा, बी पूरक का सदस्य होगा ही। अब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्स ए का भी सदस्य है और एक्स बी पूरक का भी सदस्य है, इसलिए एक्स जो होगा ए इंटरसेक्शन बी पूरक का सदस्य होगा। यहाँ पर देखिए कि एक्स ए माइनस बी का भी सदस्य है, यदि केवल यदि एक्स क्या है ए इंटरसेक्शन बी का भी सदस्य है, तो इस तरह से दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से थ्योरम फर्स्ट प्रूव हो चुका है। हम चलते हैं थ्योरम टू की ओर और देखिए थ्योरम टू में। तो यहाँ पर भी है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी के लिए। तो पहला इसका है प्रमेय ए यूनियन बी बराबर बी, यदि केवल यदि ए सबसेट बी। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यदि केवल यदि ए सबसेट बी, अर्थात ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। तो हम थ्योरम फर्स्ट को प्रूव्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ फर्स्ट, लेट ए सबसेट बी, यहाँ पर हम ए सबसेट बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमको प्रूव्ड क्या करना है कि ए यूनियन बी बराबर बी, तो यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब स्पष्ट तो कि बी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा ही, क्योंकि ए सबसेट क्या है, बी है, इसलिए बी सबसेट क्या होगा, ए यूनियन बी। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लिए हैं। अब पुनः हम क्या करते हैं कि एक्स जो है ए यूनियन बी का सदस्य है, एक्स ए यूनियन बी का सदस्य है, तो इसलिए क्या होगा कि एक्स ए का भी सदस्य होगा और एक्स बी का भी सदस्य होगा। अब यहाँ पर देखिए कि ए सबसेट क्या है, बी है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं क्योंकि ए सबसेट बी है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। और इस तरह से एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, एक्स को हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर क्या है पुनः एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यह दो बार लिखा रहा है तो इसको हम एक बार भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार से आप देखिए कि ए यूनियन बी सबसेट क्या होगा, बी का, और समीकरण एक एवं दो से तो दोनों क्या है, एक दूसरे का सबसेट है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रूव्ड होकर भी प्रूव कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यदि केवल यदि ए सबसेट बी। अब हम मान लेते हैं कि ए सबसेट बी, तब प्रूव हमको करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। स्पष्टतः तो यहाँ पर देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका होगा, ए का होगा ही। पुनः हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, ए का सदस्य है, यदि केवल यदि एक्स ए का सदस्य है और एक्स ए का सदस्य है, हम लिख सकते हैं, चाहे आप इसको अनेकों बार लिख सकते हैं। तो एक्स ए का सदस्य है और एक्स जो है बी का सदस्य है, इसलिए यहाँ एक जगह बी हो गया क्योंकि ए सबसे बी है। यदि केवल यदि एक्स ए का, अब यहाँ पर देखिए कि एक्स ए का सदस्य है और एक्स बी का सदस्य है, तो यदि केवल यदि एक्स क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का भी सदस्य होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एक्स ए का सदस्य है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य है, तो ए
सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, और समीकरण एक एवं दो से, एक में देखिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और यहाँ पर देखिए दो में ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो दोनों दोनों का सबसेट है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब हम विलोम तो चलते हैं, जब हम मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो, तब हमको प्रूव करना है कि ए सबसेट बी। तो यहाँ पर अब देखिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ए बराबर क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसी प्रकार से एक स्थान पर ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। तो अब एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य है, तो एक्स ए का सदस्य होगा और एक्स बी का भी सदस्य होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स ए का भी सदस्य है और एक्स बी का भी सदस्य है, तो इसलिए क्या होगा कि एक्स बी का भी सदस्य होगा। तो इस प्रकार से एक्स ए का सदस्य है और एक्स बी का सदस्य है, तो ए सबसेट बी का होगा ही, प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं थ्योरम तीन की ओर। अब हम थ्योरम तीन को देखते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए, ए माइनस बी यूनियन ए यूनियन बी होता है, तो हम क्या करते हैं कि ए और बी का अंतर समुच्चय निकालते हैं और उसको हम बी के साथ यूनियन करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है ए यूनियन बी। तो अल्टरनेटिव प्रूफ, इसका हम वैकल्पिक प्रमाण के तहत इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ए माइनस बी यूनियन बी LHS से हम ले लिए, LHS पार्ट यह हो गया आपका, तो ए इंटरसेक्शन बी पूरक होगा ही, क्योंकि इससे पहले हम प्रूव्ड कर चुके हैं कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी पूरक। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको हम पहले ही प्रूव्ड कर चुके हैं, और इस तरह से आपको क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी, उसके पश्चात बीच में क्या होगा इंटरसेक्शन होगा, पुनः बी क्या होगा बी पूरक के साथ यूनियन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ए यूनियन बी हो गया इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर बी पूरक यूनियन बी का होता है एस के बराबर, स्वाभाविक है क्योंकि हम जानते आए हैं जिसे बी का हम पूरक निकालें, तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से बी को हम घटाते हैं। जब हम क्या करेंगे कि बी और बी के पूरक का हम यूनियन निकालेंगे, तो वह हमको एस के बराबर प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए यह एस के बराबर हो गया, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एस के बराबर आपको क्या होगा ए यूनियन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ए यूनियन बी जो होता है सबसेट होता है एस का, तो एस हो गया आपका यूनियन। हम थ्योरम चार को प्रूव करते हैं, तो थ्योरम चार में देखिए कि क्या है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी और सी, तीन समुच्चयों ए बी सी आपको दिया है, तो यहाँ पर देखिए कि ए माइनस बी यूनियन सी बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, यह आपका सूत्र हो गया। इसको हमको क्या करना है कि प्रूव्ड करना है। फिर यहाँ पर चलिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर देखिए यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ गया, और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ गया। तो यह सब याद रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि यूनियन क्या होता है कि इंटरसेक्शन में आ जाता है बीच में, और इंटरसेक्शन यूनियन में। तो अब हम एक को हम प्रूफ कर लेते हैं, तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कि LHS से, तो हम मान लिए कि x क्या है कि a माइनस बी यूनियन c का सदस्य है, तो x क्या होगा a का भी सदस्य होगा, और क्या होगा कि x जो होगा b यूनियन c का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि a में से b यूनियन c घट रहा है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखिए, यदि केवल यदि x a का सदस्य है, और x जो होगा अब बारी बारी से ना तो b का सदस्य होगा और ना ही c का सदस्य होगा, इसलिए नहीं होगा कि x b यूनियन c का सदस्य नहीं है, इसलिए ना तो वह b का सदस्य होगा और ना ही c का सदस्य होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि केवल यदि x a का सदस्य हो, और
अब यहाँ पर देखिए कि एक्स जो है बी का सदस्य नहीं है, इसलिए एक्स बी पूरक का सदस्य होगा। यहाँ पर देखिए एक्स सी का सदस्य नहीं है, तो एक्स सी पूरक का सदस्य होगा। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे कि ए को एक बार हम क्या करते हैं बी पूरक के साथ एक साथ रख लेते हैं। उसके पश्चात देखिए कि एक्स बिलोंग्स टू, और यहाँ पर देखिए सी पूरक के को हम क्या करते हैं कि एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स ए का सदस्य है और एक्स बी पूरक का सदस्य है, तो इसलिए एक्स जो होगा ए माइनस बी का सदस्य होगा। यहाँ पर एक्स ए का सदस्य है और एक्स सी पूरक का सदस्य है, तो इसलिए क्या होगा एक्स जो होगा ए माइनस सी का सदस्य होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स ए माइनस बी का सदस्य है और एक्स ए माइनस सी का सदस्य है, तो कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या होगा एक्स जो होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का सदस्य होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एक्स जो है ए माइनस बी यूनियन सी का सदस्य है, तो एक्स यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का भी सदस्य है, तो दोनों का सदस्य क्या हो गया एक्स हो गया, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर, और दूसरे पार्ट के थ्योरम को भी हम प्रूव कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो एल एच एस से हम प्रूव कर लेते हैं। ए माइनस एल एच एस पार्ट यह हो गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, और सूत्र से हम जानते हैं कि ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी पूरक, तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C का क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि A लिख दिया इंटरसेक्शन है ही, अब होता है कि हम सूत्र को डिमार्गन लॉ में प्रूव कर चुके हैं कि A इंटरसेक्शन B का पूरक बराबर हम सूत्र में प्रूव कर चुके हैं कि होता है कि A का पूरक यूनियन B का पूरक। इसी प्रकार से B इंटरसेक्शन C का पूरक बराबर होगा B पूरक यूनियन सी पूरक। अब यहाँ पर देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी पूरक होगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी पूरक होगा, तो आप देख ही चुके हैं कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी पूरक। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ए माइनस बी यूनियन है ही ए इंटरसेक्शन सी पूरक बराबर क्या होगा ए माइनस सी। तो इस प्रकार से a माइनस बी इंटरसेक्शन c बराबर क्या हो गया a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, यह सूत्र आपका प्रूव्ड हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इससे रिलेटेड सवालों को लेकर के, और आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का लाभ प्राप्त करते रहिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जनरल कंपटीशन तक का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।